तहलका हरियाणा के प्यारे दर्शकों, आज आपको हम बादशाहपुर किले की कुछ तस्वीरें ऐसी दिखाना चाहते हैं जिनको देखकर आप आसानी से अंदाज़ा लगा पाओगे कि बादशाहपुर किला कभी कितना शानदार रहा होगा, जिसको आप पूरी तरीके से तोड़कर ध्वस्त करके वहां पर अपनी बड़ी बड़ी कोठियां बना ली गई हैं, किराए के कमरे बना लिए गए हैं, जहां से लाखों रुपए महीने में किराया कमाया जाता है, स्कूल खोल लिए गए हैं और न जाने किस किस तरीके से वहां पर अवैध कब्जे किए हुए हैं। यहां पर अभी मात्र सिर्फ किले के नाम के लिए एक गुंबद बची है, इससे अलावा यहां पर और कुछ नामो निशान नहीं है। यहां पर सभी जो बड़ी बड़ी दीवारें थीं, जो पूरा किला जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो उसको पूरी तरीके से तोड़कर यहां पर अब अपने बड़े बड़े मकान कोठियां बना ली गई हैं। जिला परिषद गुरुग्राम ने अब SDM बादशाहपुर के यहां पर अपनी अपील की है कि बादशाहपुर किला जहां पर अब अवैध कॉलोनी बसा दी गई है, उस जमीन को खाली कराया जाए क्योंकि ये ज़मीन हमारी है। जिला परिषद की अपील पर SDM बादशाहपुर ने कार्रवाई करते हुए सभी अवैध कब्जाधारियों को समन भेजा है। 12 फरवरी जो अभी गई है, इन पे इन लोगों को पेश होना था। करीब 64 लोगों को समन जारी किए गए थे, जिनमें से करीब 40 लोगों ने समन लिए, 24 ने नहीं लिए थे। तो अब उन 24 जो बचे हुए हैं, उन लोगों को दोबारा समन भेजकर अगली 5 मार्च को की तारीख उनको दी गई है पहुंचने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता। तो आइए आपको हम पूरी जानकारी डिटेल में देते हैं। देखते रहिए तहलका हरियाणा। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आप सभी को काफी दिनों से एक न्यूज का इंतजार होगा कि बहुत दिनों से जो न्यूज आपको सुनने को नहीं मिल पा रही है। जी, मैं बादशाहपुर किले की ही बात कर रहा हूँ। तो जब हमें ये लगा कि जो जिला परिषद की जो जमीन है वहाँ पे, बादशाहपुर का जो किला है, जिसके बारे में उन्होंने खुद माना है कि जमीन हमारी है और इसके ऊपर अवैध कॉलोनी बस गई है, और हमें लगा कि जिला परिषद की तरफ से कोई सख्त, मतलब जो ठोस जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, तो हमने जो जिला परिषद के डिप्टी CEO हैं नरेंद्र सारवान, उनके खिलाफ CM विंडो में शिकायत की कि इनकी तरफ से कार्रवाई सही तरीके से नहीं हो पा रही है। तो जिसके बाद उन्होंने मजबूरी में, शायद हो सकता है या उनको अपना काम भी वो समझते हों, उन्होंने SDM बादशाहपुर कोर्ट में उन लोगों के खिलाफ PP एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है। PP एक्ट 2005 में, यानी के पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट के अनुसार उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने SDM कोर्ट में अपील करते हुए कहा कि बादशाहपुर का जो किला है, जहां पर अवैध कॉलोनी बसी हुई है, वो उसको खाली कराने के लिए हमें, मतलब उसको खाली कराया जाए। तो जिसके बाद में SDM कोर्ट बादशाहपुर ने कार्रवाई करते हुए उन सभी लोगों को नोटिस भेजे हैं, समन भेजे हैं कि आप आइए और कोर्ट में पेश होकर अपनी बात। 12 फरवरी जो डेट गई है अभी, यहाँ पर इन सब लोगों की डेट थी जिन लोगों के अवैध कब्जे बादशाहपुर के किले को जो ध्वस्त करके जो बनाए गए हैं अवैध कब्जे, उन लोगों की। तो वहाँ पे कुछ जैसे हमें पता चला, जानकारी मिली हमें कि करीब 64 लोगों को नोटिस दिया गया था कोर्ट में पेश होने के लिए, तो उनमें से 40 लोगों ने ही वो समन जो नोटिस रिसीव किए और 24 लोगों ने रिसीव नहीं किए, तो उनको दोबारा से एक बार फिर से समन भेजा गया है। जब हमारी इस बारे में SDM मनीषा शर्मा जी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जिला परिषद की तरफ से हमारे पास केस डाला गया है कि बादशाहपुर का जो किला है उसको, उसके ऊपर जो अवैध कॉलोनियां बसी हुई हैं और अवैध कॉलोनी बस गई है, उसको खाली कराया जाए, जिसको लेकर हम उन लोगों को जिनके नाम नोटिस है, जिनके ऊपर आरोप लगा हुआ है कि इन्होंने अवैध कब्जा किया है, उनको नोटिस देके हमने कोर्ट में बुलाया। तो कुछ लोग अभी आए नहीं हैं, तो जिसको लेकर हमने नोटिस दोबारा से भेजे हैं। तो अब अगली जो डेट आ रही है 5 मार्च 2021 को इनकी नेक्स्ट डेट है, उस डेट के ऊपर देखते हैं क्या होता है। ये कोर्ट का मामला है, ये क्या निर्णय सरकार लेती है, कानून लेता है, तो ये आगे की बात। अभी पहले हम ना तो कहना ठीक है, ना हम कह सकते हैं।
दूसरी बात रही बात ये कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये कार्रवाई अभी धीरे धीरे चल रही है, कानूनी दाव पेच है, धीरे धीरे चलते हैं लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आप लोगों को पता है कि कानूनी प्रक्रिया थोड़ी धीमी जरूर हो सकती है लेकिन रुकेगी नहीं है, बिल्कुल अपनी मंजिल पर जाकर ही दम लेगी। अभी बीच में कुछ लोगों द्वारा कुछ एक दो लोगों के द्वारा हमें सुनने को मिला कि प्रदीप निराला थककर हारकर बैठ गया है इस किले के मामले में, तो मैं उन सभी साथियों को, भाइयों को, अपने बुजुर्गों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदीप निराला इस किले की जमीन के ऊपर जो अवैध कॉलोनी बसी हुई है जब तक खाली नहीं करा दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और ये मेरे पास काम ही है सिर्फ कि इस काम को मैं अंजाम तक पहुंचाऊं और जो अवैध कब्जे हैं उनको मैं खाली कराऊं। और जो लोग देखो जितने मुंह हैं उतनी बातें होती हैं, लेकिन मैं उन सभी लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं जो लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास रखते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मैं बिक जाऊं, दब जाऊं या डर जाऊं। मेरे पीछे आप जैसे भाइयों के लोगों की ताकत है, ना मैं दबूंगा किसी से, ना मुझे कोई खरीदने वाला पैदा हुआ आज तक। तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको कि किले के ऊपर जो अवैध कॉलोनी बसी हुई है वो तो खाली होगी और उसको खाली कराने के बाद ही मैं दम लूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। और देखो कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है, कानून अपने रास्ते पे है, कानून के अपना काम कर रहा है, धीरे धीरे जरूर करता है लेकिन क्योंकि दूसरे लोगों को भी मौका जरूर दिया जाता है कि अगर जो आपको कोई अपनी बात रखनी है, आपको अपने कोई पेपर पेश करने हैं कोर्ट में, तो आप करिए ताकि जिससे कि आप अपना ये दावा पेश कर सको कि ये जमीन हमारी है, हमने खरीदी थी किसी से या इसके रजिस्ट्री हमारे पास है या पेपर हमारे पास है। रजिस्ट्री से भी एक बात याद आई मुझे, जो गुड़गांव पिछली जो डेट थी कुछ ऐसा एक बार हुआ था कि भाई इस डेट को ये खाली होनी है, तो उस डेट के ऊपर भी मैं आपको बता दूं कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी। वहां पर जो किले के ऊपर जो अवैध कॉलोनी जो बची हुई है और उनमें से कुछ लोगों ने जो अवैध कब्जे किए हुए हैं, उनमें से एक दो चार लोग माननीय गुड़गांव कोर्ट में गए और उन्होंने वहां पर कोई जो कोर्ट को अंधेरे में रखते हुए, गुमराह करते हुए, उन्होंने कुछ ऐसे पेपर वहां पे पेश किए हैं जिससे कि ये लगता है कि इनके पास उस जगह की रजिस्ट्री है। देखो कमाल की बात, किला जो है जो पुरातत्व विभाग का है, सरकार जिसको ये कहती है कि ये जमीन हमारी है, उसके भी पेपर वहां पे जाके कुछ लोगों ने दिखा दिए, कोर्ट को गुमराह किया, कोर्ट को अंधेरे में रखा कि यहाँ के हम बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हैं, हमारे पेपर। और मजे की बात यह है कि जो NGT में सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया है उसमें ये कहा गया है कि ये जो जमीन है जो बादशाहपुर के किले के ऊपर अवैध कॉलोनी जिसके ऊपर बसाई गई है, ये जमीन सरकारी है। इसी के चलते सरकार ने SDM कोर्ट में जो अपनी फाइल दाखिल की है उसमें ये भी कहा है क्लियर कि हमारे पास पेपर भी है, इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि जो जिस जमीन के ऊपर किला कॉलोनी जहां पर बसाई गई है अवैध रूप से, वो जमीन उसको ना तो हमने कभी पट्टे पर दिया है, ना कभी सेल किया है, ना उसको किसी भी तरीके से किसी को हमने वो आज तक दी नहीं गई जिसके ऊपर कब्जा कर गया और पूरी की पूरी अवैध कॉलोनी बसा दी गई है। तो ये जो वहां पर जो अभी तक जो कब्जे करे गए वो सरासर जो सारे कब्जे गलत है इसके पास। अब दो बात है इसमें आप ध्यान से सुनिए कि किले की जमीन उसके पेपर हो नहीं सकते, रजिस्ट्री बन नहीं सकती उसकी, और अगर जो रजिस्ट्री बन भी गई है तो वो इलीगल तरीके से बनी है, उसके पीछे भी कोर्ट को, कानून को इसकी जांच की बहुत जरूरत है। इसकी जांच अगर जो कराई जाए तो अगर जो रजिस्ट्री वहां की है जहां की उन्होंने पेश की है, अगर जो रजिस्ट्री वहां की है तो इसकी जांच कराने के बाद में बहुत सारे लोग इसके झांसे में आएंगे, मतलब के कब्जे में आएंगे जो जिन्होंने गलत काम किया है। रही दूसरी बात ये, अगर जो वहां की रजिस्ट्री पेश कर दी तो वो तो आपको मैंने बताया अभी कि वो हो नहीं सकती, और वहां की बन गई है तो वो भी एक जांच कर दी, उसकी जांच भी हम कराएंगे समय आने पर। रही दूसरी बात, अगर रजिस्ट्री है कहीं और की और बताया गया ये कि रजिस्ट्री जहां हम किले की जमीन में रह रहे हैं वहां की है, तो ये भी एक कोर्ट के साथ उन्होंने धोखा दिया है, कोर्ट को अंधेरे में रखा है, कोर्ट को गुमराह किया है, तो उनको स्टे जरूर मिल गई एक दो चार लोगों को, लेकिन कोर्ट को अंधेरे में रखकर उन्होंने स्टे लिए। मैं बता दूं आपको कि NGT के आदेश थे इस कोर्ट को अवैध कब्जे जो है अवैध कॉलोनी को खाली कराने के,
तो माननीय एनजीटी के आदेशों के बाद अगर जो इसकी अपील की जा सकती है तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, इसके इससे नीचे तो वहां की सुनवाई नहीं हो सकती है। तो अब इस बात से आप अंदाजा लगाइए, सुप्रीम माननीय सुप्रीम कोर्ट में ना जाते हुए इन्होंने गुड़गांव कोर्ट का सहारा लिया और वहां पर कोई झूठे सच्चे कागज पेपर जमा करा के और स्टे ले लिया। तो ये सीधा सीधा सोचा जा सकता है, कहा जा सकता है कि कोर्ट को अंधेरे में रखा है, कोर्ट को गुमराह किया है, तब जाके इनको स्टे मिल गया। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी एक समय आएगा, इसकी जांच कराएंगे हम कि कौन से पेपर वहां पे इन्होंने जमा कराए और कोर्ट को किस तरीके से गुमराह करके कोर्ट को कुछ जो तथ्य जो सत्य जो है वो छुपा कर इन्होंने स्टे ली थी। कोई बात नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें ये नहीं है कि भाई वहां के अवैध कब्जे एक महीने में खाली होने चाहिए या दो महीने में खाली होने चाहिए, चाहे लग जाओ दो साल, लेकिन अवैध कब्जेधारी हुए सोच लो, मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, खाली करने पड़ेंगे। अपनी जगह तलाश कर लो, कहाँ पे रहना है, जहां पे पहले रह रहे थे वहां रहना है या कहीं दूसरी जगह पे किराए पे जाकर रहना है या खरीदना, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहां इसके लिए की जमीन में तुम रह रहे हो खाली करना पड़ेगा ये। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जिला प्रशासन सरकार के भी कानून के दायरे से मैं आते हुए तुम्हें खाली करना पड़ेगा। मैं तो परिहार जरूर करूंगा, और देखो आगे तो कानून के ऊपर हाथ में है जो बात है क्या कानून फैसला लेता है, लेकिन मैं जरूर जरूर इतना प्रयास करूंगा कि वो अवैध कब्जे खाली हो जाएं, क्योंकि जो झूठ होता है, जो पाप होता है, उसका घड़ा एक ना एक दिन भरता है जरूर, और वो भर गया है, खाली करने पड़ेंगे, समझो इस बात को, और अभी से तैयारी कर लो अपनी, क्योंकि सरकार जब खाली करती है तो ज्यादा समय नहीं देती है। सामान तुमने कई बड़ी बड़ी कोठियां बनाई हैं, करोड़ों रुपए लगाए, तो उनमें से सामान निकालने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा अभी से कार्रवाई कर लो तो अच्छा रहेगा। तो मैं एक बार फिर आप सभी लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मेरा विश्वास करिए, मैं टूटने वाला नहीं हूँ, ना बिकने वाला हूँ, और ना मैं डरने वाला हूँ किसी से। कोई ये सोचता हो कि मैं इन जमीन की जो देख कर जो पैसे हमारे पास आए, हम हमारी मुट्ठी में सब कुछ है, कानून से बड़ा कोई नहीं है इस देश में, कानून से देश चलता, तुम्हारे पैसों से नहीं चलता, पैसे पता नहीं किस किस के पास है, कितना पैसा है, लेकिन इस देश को फिर भी कानून चलाता है। कानून से डरो और कानून से डर के रहना ही ठीक है। तो मैं अपने सभी चाहने वालों को, मैं तहलका हरियाणा के सभी दर्शकों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किले के ऊपर जो अवैध कब्जे हैं वो खाली कराकर ही मैं दम लूंगा, इससे पहले मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। तुम चाहे कुछ बोलते रहो कि हम खाली नहीं होने देंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, समय बताएगा, और कानून से बड़े तुम नहीं हो। नमस्कार।